हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू साइबर ड्रॉइड। मैं हूं आपके फ्रेंड शिवम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में चलते हैं। यहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा काली लिनक्स डाउनलोड। यहां पे जो सबसे पहला लिंक है गेट काली, यहां पे आप चले जाइए। ये काली की ऑफिशियल वेबसाइट है। काली कई सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। फिलहाल हमें काली लिनक्स वर्चुअल मशीन के लिए चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कई सारी वर्चुअल मशीन्स आती हैं, जैसे कि VMware, वर्चुअल बॉक्स, हाइपर वी। इनमें से आप जो भी वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हों, आप उनके लिए इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको VMware में काली लिनक्स को इंस्टॉल करना बताऊँगा, इसलिए हम ये वाला वर्जन यूज़ करेंगे। यहाँ पर नीचे आपको एक और फाइल देखने को मिलती है VMware वीकली। इसमें वीकली अपडेट रहते हैं, बट ये वाली जो फाइल है इसमें आपको सारे टूल्स मिलेंगे, इसलिए हम इसे डाउनलोड करेंगे। इसमें डाउनलोड के भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप टॉरेंट से डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसे डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस डाउनलोड वाले आइकॉन पर क्लिक करूँगा। हम जैसे ही इस डाउनलोड वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, इस फाइल का साइज 2.8 GB है, तो आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बट ये फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है अपने कंप्यूटर में, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। जब आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो ये एक RAR के फॉर्म में होगी। आप इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए WinRAR सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए। अब हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आप इस फाइल पर राइट क्लिक कीजिए, इसके बाद आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अब एक काली लिनक्स का सेपरेट फोल्डर बन जाएगा और जो भी फाइल हैं वो इसके अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अब दोस्तों, ये फाइल सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अगर आपके कंप्यूटर में VMware एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप सर्च करेंगे VMware डाउनलोड। दोस्तों, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यह इसका ऑफिशियल लिंक है। जब दोस्तों आपके कंप्यूटर में VMware इंस्टॉल हो जाए तो आप इसे ओपन कीजिए। यहाँ पर मेरे VMware में ऑलरेडी मैंने दो वर्चुअल मशीन बनाई हैं, विंडोज 10 और विंडोज 11 की। बट अब हमें यहाँ पे काले लिनक्स की वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना है, जिसके लिए आप यहाँ पर ये सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ओपन ए वर्चुअल मशीन। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपने जहाँ पर भी काले लिनक्स की फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था, आप उस लोकेशन पे चले जाइए। मैंने इस फोल्डर के अंदर काले लिनक्स की फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था। हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ये फाइल मिल जाएगी, आप इसे सेलेक्ट कीजिए, ओपन करेंगे हम। और दोस्तों, यहाँ पे सक्सेसफुली काले लिनक्स की वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 2 GB रैम है, 4 प्रोसेसर्स दिए हुए हैं और 80 GB के हार्ड डिस्क का डिस्क स्पेस है। नेटवर्क टाइप नेट है और कई और सारी सेटिंग्स हैं। बट जैसे कि हमें 2 GB की जगह 4 GB रैम कस्टमाइज़ करनी है, तो आप यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन पे जा सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी यही पॉपअप ओपन होगा। फिलहाल यहाँ पर 2 GB रैम सेलेक्ट है, हम 4 GB पे क्लिक करके ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे ये अपग्रेड होके 4 GB हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब मैं इस वर्चुअल मशीन को ऑन करके दिखा देता हूँ। पावर ऑन पे क्लिक करेंगे हम, तो ये वर्चुअल मशीन पावर ऑन हो रही है। हम काले लिनक्स पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे काले लिनक्स बूट हो रही है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा समय लग सकता है, तो आप वेट कीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड का आएगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो यूज़र नेम है वो रहेगा काली और जो पासवर्ड है वो भी रहेगा यहाँ पे काली। और ये सब आपको स्मॉल लेटर्स में टाइप करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये काली का इंटरफेस आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.